सिद्धार्थ नगर के भनवापुर ब्लॉक के अंतर्गत शाहपुरी में सांसद डुमरियागंज जंदबिका पाल एवं मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार द्वारा पंचायत भवन शाहपारा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास है और प्रधानमंत्री का सपना है कि जिसके सर पर पक्की छत नहीं है उसको आवास दिया जाए। गाँव में समूह का गठन कराकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। महिलाएं घर के काम के साथ ही आर्थिक रूप से भी परिवार को मजबूत करने का काम समूह के माध्यम से कर रही है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जो भी भनवापुर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से अधिक जर्जर है उसको भी पूरी तरह से प्रयास कर जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। को आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या खदरा खतौनी और कुछ भी लेना हो, तहसील का चक्कर ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था। तो उन्होंने एक अवधारणा किया कि हर गांव में अपना पंचायत भवन हो जो ये सारी चीज़ें गांव के लोगों को वहीं उपलब्ध कराए। आज इसी कड़ी में सिद्धार्थ नगर के भनवापुर ब्लॉक के साहबपारा गाँव में पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ। जिस तरह से ये पंचायत भवन इन्होंने बनाया हमारे प्रधान जी ने, उनको हम बधाई देते हैं। हमारे मुख्य विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रतिनिधि और सभी प्रधान मौजूद हैं। ये केवल साहबपारा का एक अच्छा पंचायत भवन नहीं है बल्कि ये जिले और प्रदेश के लिए संदेश दिया है कि आज इस तरह के भी गांव में पंचायत भवन का निर्माण हो सकता है। लोगों को आय प्रमाण